हरियाणा के यमुनानगर जगाधरी रेलवे स्टेशन पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हरियाणा का ये स्टेशन नॉर्दर्न रेलवे अंबाला डिवीजन के ज्यूरिसडिक्शन में आता है। अमृत भारत योजना में चुने गए 508 रेलवे स्टेशन में यमुनानगर जगाधरी का भी नाम है और अब इस स्टेशन का भी कायाकल्प होने जा रहा है और इसके लिए यहाँ पर काम भी शुरू कर दिया गया है। आइए चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, जिसकी लंबाई और हाइट को बढ़ाया जा रहा है। ये है यहाँ का पुराना वाला FOB जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 को कनेक्ट करता है। यहाँ पर फिलहाल 3 प्लेटफॉर्म्स हैं। यहाँ पर कुल 22 करोड़ की लागत से इस पूरे स्टेशन को रेडेवलप किया जाएगा। स्टेशन की नई बिल्डिंग भी इसमें शामिल है। ये है अंबाला के डायरेक्शन और यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म की लंबाई को अंबाला की दिशा में बढ़ाया जा रहा है। ये प्लेटफॉर्म काफ़ी छोटा हुआ करता था और साथ ही यहाँ पर हाई लेवल का प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है और इसे अभी पूरा भर दिया जाएगा और साथ ही बिल्डिंग भी पीछे खिसक कर नई बनेगी और इस फुट ओवर ब्रिज को भी तोड़ दिया जाएगा क्योंकि ये प्लेटफॉर्म के बीच में आ रहा है और यहाँ पर एक नया फुट ओवर ब्रिज बनेगा। वैसे तो यहाँ पर अभी 2 फुट ओवर ब्रिज हैं, 1 फुट ओवर ब्रिज तो पूरा आर पार हो जाता है और यहीं से ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी होकर गुजरता है जो लुधियाना के सनेवाल से वेस्ट बंगाल के दाकुनी को जाता है। कुछ दिनों पहले यहाँ पर न्यू पिलखनी से न्यू शंभू के बीच ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर ट्रायल लिया गया था और यहाँ पर अब मालगाड़ियाँ DFC पर आ जा रही हैं। ये है प्लेटफॉर्म नंबर 3 और वहाँ पर एक मेमू ट्रेन खड़ी है और एक खाली रेक खड़ा हुआ है। बगल में ही यमुनानगर जगाधरी की गुड्स साइडिंग है और वहाँ पर गुड्स प्लेटफॉर्म भी बनाया गया है, लेकिन EDFC के बन जाने से ये सब अब न्यू कलानौर स्टेशन पर उतरा करेगा और बगल में ही EDFC वहाँ पर आप देख सकते हैं और EDFC ने यहाँ पर बैरिकेटिंग कर दी है। ये डायरेक्शन है सहारनपुर जंक्शन की और यहाँ पर आप देख सकते हैं सामने किस तरह प्लेटफॉर्म की हाइट को बढ़ाया जा रहा है। ये पूरी बिल्डिंग अभी टूटने वाली है और यहाँ पर तोड़फोड़ चालू है। प्लेटफॉर्म काफ़ी नीचे हुआ करता था और इसे लगभग 1.5 फीट ऊपर उठा दिया गया है। स्टेशन के बाहर एक पार्क भी बनाया जाएगा और वहाँ पर 100 फीट ऊंचा तिरंगा झंडा भी लगाया जाएगा। ये देखिए किस तरह यहाँ पर प्लेटफॉर्म की लंबाई को बढ़ाया गया है और यहीं पर ये प्लेटफॉर्म ख़त्म हो जाया करता था और इसे एक्सटेंड करके वहाँ आगे तक कर दिया गया है, यानी प्लेटफॉर्म नंबर 1 अब लंबा और ऊंचा होगा। इसी के साथ अगर प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 की लंबाई भी बढ़ा दी जाती तो और ज़्यादा अच्छा होता। वो क्यों, ये मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर एक टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर तैयार किया गया है, शायद ये यहाँ पर वेटिंग हॉल हो सकता है या फिर टेम्प्रेरी टिकट घर, क्योंकि पूरी की पूरी बिल्डिंग टूटने वाली है इसलिए यहाँ पर एक टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर बनाकर तैयार किया गया है। आप लोग ये वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं कॉमेंट करके अपनी लोकेशन जरूर बताएँ और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। यह है प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 और ये डायरेक्शन है सहारनपुर जंक्शन की। यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 एंड हो जाते हैं और बाएं तरफ है प्लेटफॉर्म नंबर 1 जो आगे की तरफ है, यानी यहाँ पर प्लेटफॉर्म्स आगे पीछे हैं। अगर इस डायरेक्शन में इस प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 को बढ़ा दिया जाता तो ज़्यादा अच्छा होता। वहाँ दाएं तरफ EDFC का ब्रिज आप देख सकते हैं। सामने से आ रही है जम्मू तवी जैसलमेर शालीमार एक्सप्रेस और इस ट्रेन के आते ही आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 की हाइट को बढ़ाना कितना ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह की लंबी लंबी ट्रेन जब यहाँ आती हैं तो उनके कुछ कोचेस पीछे ही रह जाते हैं। अब देखिए इस ट्रेन के लोकोमोटिव्स इस प्लेटफॉर्म के आगे जा रहे हैं और होपफुली इस ट्रेन के जो पीछे के कोचेज हैं वो प्लेटफॉर्म के पीछे ही खड़े होंगे, इसलिए यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 की लंबाई बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। फिलहाल इस स्टेशन पर इतना ही काम चल रहा है और आगे चलकर ये काम और आगे पहुँचेगा और आगे चलकर यात्री सुविधाएँ जैसे कि एस्केलेटर, लिफ्ट्स वगैरह इस स्टेशन पर लगाई जाएंगी, जिससे ये स्टेशन और ज़्यादा आधुनिक हो जाएगा और नई बिल्डिंग भी तैयार होने वाली है। आई होप यमुनानगर का ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार और साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबा देना, जिससे जब भी मैं अपना कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँच जाए। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप मुझे सोशल मीडिया पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक ID का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में।